हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। वंस अगेन आई एम हेयर विद ए क्वेश्चन रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? यू आर गिवन विद ए बाउल वाटर एंड ए क्वाइन, शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने क्या करना है, एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने एक क्वाइन डाल देना है, ठीक है, और उस क्वाइन को हमने अब देखना है, ठीक है, और देखते जाएंगे और थोड़ा पीछे हटते जाएंगे, दूर हटते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज तक आ जाएंगे कि जब हमें क्वाइन दिखना बंद हो जाए, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस बीकर को हमने पानी से भर देना है, ठीक है, अपने फ्रेंड को कहना है कि वो इसमें पानी भर देगा। आप उसी पोजीशन पे खड़े हो जहाँ पे आपको क्वाइन दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही पानी फिल करते हो आप देखोगे कि अब क्वाइन आपको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। हुआ क्या, जब हमने खाली था तो ये भी रेयर मीडियम था और यहाँ पे भी रेयर मीडियम में हम थे, पर जैसे ही हमने पानी इसमें डाला, वाटर डाला, वाटर जो है ये वाली एयर है, ठीक है, एयर जो है वो हमारा रेयर मीडियम है और विरल माध्यम है और ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मैंने आपको ये वाला ऐसे कराया हुआ है, ठीक है, तो ये जो रे आती थी ये डेंसर मीडियम है ना, ये वाला डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम था, तो यहाँ पे आई रही है, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से फिर ये बाहर निकलती है, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हटती है तो हमें ये क्वाइन जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यही आंसर है, इसको हम पढ़ते हैं आंसर को, क्या लिखा हुआ है। प्लेस द लार्ज शेलो बॉल ऑन ए टेबल एंड पुट ए क्वाइन इन इट, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द क्वाइन जस्ट अपीयर्स फ्रॉम योर साइट। जैसे ही आपकी साइट से क्वाइन दिखना बंद हो जाए आप वहीं पर रुक जाओ। देन आस्क योर फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वाइन, क्वाइन को बिना डिस्टर्ब किए उसमें डालें, आप देखोगे कि अब क्वाइन आपको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। और ये सारा क्यों हुआ, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ। तो आपको क्वेश्चन जो है वो ऐसी फिगर आएगी तो उसमें पूछा होएगा कि कौन सा फिनोमिना शो किया हुआ है, तो आपने लिखना है प्रकाश का अपवर्तन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाया हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्वाइन जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, या हिंदी में बोलोगे अपवर्तन के कारण ये क्वाइन ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।